वेलकम अंजुम के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे साथ खाना बनाना चाहते हैं तो जल्दी से थम्स अप दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आदाब दोस्तों, तो चलिए आज बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी डिश, और उस डिश का नाम है चॉप बिरयानी। बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत आसान तरीके से हम आपको बनाना बताएंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, बहुत कम मसालों के साथ बनाएंगे। और ये चॉप बिरयानी है, ये वन पॉट मील है, बस एक चीज़ बना दो सारे घर वाले खुश। तो चलिए बनाते हैं चॉप बिरयानी बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल भी इतनी झटपट बनेगी कि आप देखते रह जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना हम बीफ चॉप की बिरयानी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कुकर ले लिया है, इसमें हम डाल रहे हैं आधा कप के करीब ऑयल, क्योंकि बिरयानी है तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। और इसमें हम ऐड करने वाले हैं 1 टेबल स्पून असली घी। आप इस जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा सा जायका आता है। चलिए इसे होने देते हैं गरम। तो दोस्तों, हमारा जो तेल है वो हो चुका है गरम। कुछ हमने खड़े मसाले ले लिया है जो आपको बता देते हैं। यहाँ पे हमने 3-4 जो स्टिक है कलमी के लिया है, 2 तेज पत्ता लिया है, 7-8 लौंग है, यहाँ पर 2 स्टार अनीस के फूल हैं, 1 टीस्पून शाहजीरा है, 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे काली मिर्च है, और 6-7 हरी इलायची है। तो ये सारी चीजें चली जाएंगी इस तेल के अंदर। ये चला गया, कलमी भी डाल देते हैं इसमें, और तेज पत्ते को थोड़ा सा तोड़ देते हैं, क्योंकि बड़ा है तो फिर चलाने के वक्त मुश्किल होती है। ये सारी चीजें चली गई। यहाँ पर हमने ले लिया है एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का और एक फूल जावित्री का, इसे हम थोड़ा सा पहले कूट लेंगे। चलिए यहाँ पर हमने ले लिया है एक 4 अदद की मीडियम साइज की प्याज, वो हमने बारीक कट कर लिया, वो इसमें डाल देते हैं। इसे अच्छे से हमें लाल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है, जो प्याज है हमारी एकदम से गोल्डन कलर की हो गई है, मतलब यहाँ पर आपको एक मीठी सी खुशबू आएगी। इससे ज्यादा आपको डार्क नहीं करना है, इससे ज्यादा डार्क होने के बाद ये कड़वाहट आ जाती है प्याज में। तो जल्दी से हम ऐड कर देते हैं हरी मिर्च, क्योंकि ये जब फ्राई होती है तो इससे भी बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। और डाल देते हैं हरा धनिया, और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पुदीना। इसे एक दो हाथ चला लेंगे हम। जब पुदीना और हरा धनिया तेल में फ्राई होता है तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। ये हो गया, अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं 3 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। घर में पीसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिसमें हमने जो क्वांटिटी है अदरक की थोड़ी सी कम रखा है लहसुन से, लहसुन को हमने ज़्यादा रखा है ताकि प्यारी सी खुशबू आए। अब इसकी खूब अच्छे से करते हैं भुनाई, ताकि जो कच्ची वाली स्मेल है लहसुन की वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जो लहसुन अच्छे से भुन चुका है और अच्छी सी खुशबू आने लगी है, खुशबू से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मसाला है वो आपका पका हुआ है या कच्चा है। तो यहाँ पर जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है वो अच्छे से पक चुका है। बस अब हम इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ पर हमने 1 कटोरी दही लेके रखा हुआ है, सबसे पहले चला जाएगा ये दही। दही के बाद हम यहाँ पर डाल रहे हैं बिरयानी मसाला, जो कि रेडीमेड वाला आता है, ये है 1 टेबल स्पून के करीब। और यहाँ पे जो हमने छोटा सा टुकड़ा जायफल और जावित्री का लेके रखा था उसे हमने कूट लिया था, वो चला जाएगा। और इसके ऊपर डाल देते हैं हम टमाटर, ये 2 अदद टमाटर है। तो ये सारी चीज़ें चल गई, अब इसे अच्छे से हम भून लेते हैं। यहाँ पे मसाला देखिए अच्छे से भुन गया है, लाजवाब खुशबू आ रही है। ऐड कर देते हैं आलू बुखारा, अगर आपके पास हैं तो आप डालिए, लेकिन अगर डालते हैं तो जायका बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि इसमें खटास भी होती है और मिठास भी होती है। तो हम यहाँ पर डाल रहे हैं कम से कम 8-10 आलू बुखारा, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे
स्टाफ, स्टाफ को हमने बड़ी बड़ी रखाया था ताकि गलने के बाद हमेशा छोटी हो जाती हैं, तो हम इसमें ये डाल देंगे चॉप्स इसमें। तो ये सारी चॉप्स इसमें चली गई। अब इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। तो यहाँ पे हमने खूब अच्छे से इसे कर लिया है मिक्स, सारा मसाला चॉप्स में अच्छे से लग गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब नमक डाल रहे हैं, बाद में चख लेंगे क्योंकि चावल में भी ऐड होने वाला है नमक। चलिए इसे अच्छे से मिला लेते हैं और कम से कम 5 मिनट तक और भून लेते हैं। तो यहाँ देखिए कम से कम 10-12 मिनट हो चुके हैं, खूब अच्छे से हमारे जो चॉप्स हैं वो भून चुकी हैं यहाँ पर। और क्योंकि कुकर छोटा था, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर जो तेल है वो भी देखिए अच्छे से यूज़ आउट हो गया है। बस इस वक्त हम इसे थोड़ा सा ऐड कर देंगे पानी और कुकर के ढक्कन को बंद करके कम से कम 7-8 सीटी देंगे। ये डिपेंड करेगा आपकी चॉप्स कितनी बड़ी हैं कितनी छोटी हैं, तो आप उस हिसाब से आपके कुकर को प्रेशर दीजिएगा। तो इसमें हम डाल देते हैं 1/2 कप के करीब पानी। हमने इसके कुकर का ढक्कन को लगा दिया है और कम से कम 7-8 सीटी के बाद हम इसे खोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे 2 कप चावल लिया है, इसे हमने 1/2 घंटा पहले भिगो दिया था और इसे हमने अभी 70% इसे गला लिया है, इससे ज़्यादा हमें नहीं गलाना है। और इस वक्त हम एक आपको सीक्रेट बताते हैं, जैसे कि आपका बिल्कुल शादियों जैसी बिरयानी हमेशा बनेगी, अदरक लहसुन का पेस्ट है ये हम इस चावल में मिला रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम सब लोगों को शादियों वाली बिरयानी बड़ी पसंद आती है क्योंकि उसमें ताज़ा अदरक लहसुन का खुशबू होती है। तो आप जब भी चावल को इस तरीके से उबालें तो 1/2 चम्मच कच्चा अदरक लहसुन इसमें डाल दें, उससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो चलिए अब हम इस चावलों को पसा लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कम से कम 8 प्रेशर जो है विसिल इस पे दिया है। चलिए इसे खोल के देखते हैं, बिल्कुल भी इसमें भाप नहीं है। हमेशा अपने बच्चों को जब भी पकाएं, बच्चे तो ये बताइए कि प्रेशर पूरा ख़त्म होना चाहिए। तो ये हो गया है, माशाल्लाह सूरत से तो लग रहा है कि बिल्कुल भी बहुत अच्छे से हमारी चाप जो है गल चुकी है। जी हाँ, ये हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे दम पे लगाने की तैयारी करते हैं और आपको बताते हैं कि हम कैसे इसे प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें चिकना डाल देते हैं ताकि जब हम बिरयानी लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी जले नहीं। तो हमने चिकना ही डाल दिया। बस अब इसके बाद हम अपनी जो चॉप्स है इसको इसमें प्लेस कर देंगे और थोड़ी सी कसर बाकी है तो दम पे चावलों के साथ ये चॉप जो है बहुत अच्छे से गल जाएगी। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए अब हमने जो ये पसा के रखा था चावल जो कि हमारे 70% गले हुए हैं, उन्हें हम इसके ऊपर जमा देंगे। चलिए तो हमने 1/2 चावल डाल दिया है, अब जो ये मसाला बचा हुआ है ये इसके ऊपर हम कर देंगे। जो बचे हुए चावल है उसकी हम एक फिर से क्लियर कर देंगे क्योंकि अब हमें थोड़ा सा डालना है जाफरान वाला दूध और इस पे हम डालने वाले हैं कलर। चलिए हमने एक क्लियर इस पे डाल दिया है, अब इस पे हमने थोड़ा सा जाफरान, तो चलिए इस पे हमने डाल दिया जाफरान वाला दूध और थोड़ा सा डाल रहे हैं हम ऑरेंज कलर। तो ये चावल इस पे डल चुके हैं, थोड़ा सा असली घी इस पे हम डाल देते हैं तो इससे बहुत अच्छा जायका तो आता ही है, खुशबू भी आ जाती है। ये असली घी चला गया और इसे अब हम कर देते हैं कवर और जब तक घाप नहीं आएगी कम से कम एकदम स्लो फ्लेम पे 10 मिनट तक इसे दम देंगे। तो चलिए यहाँ पर 10 मिनट हो गया है माशाल्लाह दम पे रखे हुए और खूब अच्छे से भाप आ चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए। और चावल भी हमारे बहुत ही अच्छे से एकदम से खिले खिले से बने हैं,
वन पॉट मील है, बहुत जल्दी तैयार हो गया, बहुत ही मज़ेदार बना है और हम इसे आपको सर्व करके बताते हैं। ना इसमें हमने ज़्यादा तेल वगैरह डाला है और ना ही ज़्यादा मसाले। तो चलिए इसे हम अपनी डिश में निकालते हैं। तो लीजिए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही डिलीशियस सी, चख के देखा है हम आपको, क्या बताएं, इस गज़ब का टेस्ट आया है इस चॉप बिरयानी में। बहुत आसान तरीके से हमने बनाया है, ना इसमें बहुत ज़्यादा घी डाला है, ना तेल, ना ही ज़्यादा मसाले हमने इसमें डाला है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। बस एक छोटा सा आपको ट्रिक बताया है कि जिस वक्त आप चावल को पकाएं, दम पे पकाएं जब गलाने के लिए, उस वक्त आप थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन डालिए तो बिल्कुल भी शादी वाली बिरयानी जैसी खुशबू आ जाती है। तो देखिए दोस्तों, ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी चॉप बिरयानी कैसी बनी। आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, anjums.kitchen पे। और फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।